हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल आ लिटिल थिंग्स। मैं दीपाली और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ डेजर्ट की रेसिपी, जो कि है गाजर हलवा। ये हम सबका बहुत ही फेवरेट है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मगर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे हमने 1 किलो गाजर को अच्छे से वॉश करके उसे कद्दूकस कर लिया है। 1 कप दूध, 1 कप गुड़, हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, हमने यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल किया। 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच बारीक कटे हुए बादाम और जायफल, 100 ग्राम खवा। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई गरम कर लेंगे, उसमें हम ये कद्दूकस किया हुआ गाजर डालेंगे। हम खवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, खोया का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें घी नहीं यूज कर रहे हैं। हमें गाजर को थोड़ा सा कुक कर लेना है, इसलिए हम थोड़ी देर इसे ऐसे मिक्स करते चलाते रहेंगे। अब ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा इसका क्वांटिटी कम हो गया है, ये थोड़ा सा पक गया है। अब इसमें हम गुड़ डालेंगे, तो हम यहाँ पे 1 कप गुड़ लिया है। अगर आपको और मीठा पसंद है तो आप और थोड़ा सा गुड़ इसमें ऐड कर सकते हैं। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब हम 1 कप दूध डालेंगे। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमारा गाजर है वो अच्छे से दूध में पक जाए। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम लिड कवर करके इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने देंगे। तो 10 मिनट बाद ये हमारे देख सकते हैं आप, गाजर अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 1/4 चम्मच नमक और थोड़े से बादाम डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें जायफल को कद्दूकस कर लेंगे। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें पानी है, मतलब इसमें पानी छूट गया है, तो हमें इसे थोड़ा और पकाना है जब तक ये पानी सूख नहीं जाता। तो हम लिड कवर करके इसे और 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका पानी थोड़ा थोड़ा सूख गया है और ये हमारे गाजर है जो है अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पे 100 ग्राम खवा लिया है, खोया, अब वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास अगर खोया ना हो तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, पर हमारा पानी जो है वो सूख जाना चाहिए, तो हम इसमें दूध थोड़ा कम डालेंगे। पर ये आप जब खोया डालते हैं तो इसमें जो स्वाद आता है वो बहुत ही लाजवाब होता है। और ये हमारा गर्मा गर्म गाजर हलवा रेडी है सर्व करने के लिए। तो हम यहाँ इसमें सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और ऊपर से थोड़े से बादाम के साथ इसे गार्निश करेंगे। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारी रेसिपीज ट्राई करते रहिए। बाय बाय।